डबल हम्पबैक सिर्फ मंगोलिया में मिलता है और यहाँ इंडिया में सिर्फ लद्दाख में मिलता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो हम लोग आ चुके हैं अभी हुंदर। कल रात को जैसे आपको पता है, हम यहाँ पे आते आते अंधेरा हो चुका था और हम लोग कैमल राइड नहीं कर पाए थे, तो यहाँ पे हमने स्टे कर लिया था। और अभी फिर अभी सुबह आए हैं यहाँ पे, 9:30-10 o'clock स्टार्ट होता है कैमल राइड, तो हम लोग अभी आके पहुँचे, अभी 10 बजे। और ये है पार्किंग एरिया, और इस तरफ ऐसे हमको इस वाटर स्ट्रीम के ऊपर से पार करके जाना पड़ेगा। वहाँ दूर सारे कैमल्स बैठे हुए हैं, तो अभी वहाँ जाके देन वी कैन गो फॉर कैमल राइड। तो चलिए चलते हैं उधर। तो यहाँ पर इतने सारे एक्टिविटीज़ के ऑप्शंस हैं, आप इसमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे स्पेशली, मेरा बेटा बहुत ही एक्साइटेड है कैमल राइड के लिए, तो हम लोग वो करने आए हैं। और यहाँ के कैमल्स को बैक्ट्रियन कैमल बोलते हैं, तो चलिए देखते हैं वो कैमल्स कैसे दिखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं हुंदर कैमल राइड, जहां से होता है उस लोकेशन पे। पार्किंग से यहां तक आने का रास्ता मैंने आपको दिखाया था, और अभी यहां पे कैमल राइड करेंगे। परेशान कैमल राइड के लिए बहुत एक्साइटेड है। एक्चुअली हम लोग कल जब रात हो गया था और हमने सोचा ये प्लान ड्रॉप कर देंगे, बट परेशान सो मच वॉन्टेड टू हैव दिस कैमल राइड, तो हमने फिर डिसाइड किया नहीं ठीक है, कैमल राइड करके ही निकलेंगे इधर से। भैया साइड से गिर तो नहीं जाएगा ना, आप ध्यान रखना प्लीज। केयरफुल रिशन, केयरफुल। ये लद्दाख में दिस इज़ द ओनली पैच जहाँ आपको कैमल देखने को मिलता है, एंड दिस इज़ डबल हम्प बैक। डबल हम्प बैक सिर्फ मंगोलिया में मिलता है और यहाँ इंडिया में सिर्फ लद्दाख में मिलता है। तो आई होप आपको भी देख के मज़ा आ रहा होगा। तो यहाँ पे ऐसे ग्रुप में लेके जाते हैं, दे डोंट टेक सिंगल कैमल। रिशान, आर यू एंजॉइंग? Oh, that's great. It's not so bad as I had expected. Okay. हाँ सर, आप कौन से गांव से? हुंदर सर। हुंदर। और ये कैमल का क्या मतलब, कैसे लाइफ साइकिल क्या है, क्या खाते हैं? ये वाला घास खाते हैं सर। ये वाला घास खाते हैं? अच्छा, ये देखिए, ये वाला घास खाते हैं। अच्छा अच्छा, आप लोग इनको क्या छोड़ देते हो उधर? हाँ जी, छोड़ देते हैं। ओहो जी, रात को छोड़ देते हैं? हाँ जी। ओके, हर दिन होता है या एक दिन बंद होता है? ये 2 दिन का इनका रेस्ट होते हैं, फिर 2 दिन चलाते हैं। अच्छा अच्छा, 2 दिन रेस्ट होता है, 2 दिन चलाते हैं जी। अच्छा, और कैमल राइड हर दिन मिलता है या कोई दिन बंद रहता है? डेली मिलते हैं। अच्छा, तो रोज चलते हैं? ओहो। और हर कैमल 2 दिन मतलब चलते हैं, 2 दिन रेस्ट लेते हैं, मतलब ऐसा है सर? और यहाँ पे कितने कैमल है? यहाँ पे 70 है। 70 कैमल है? अच्छा, ओके। और ये, और पानी वगैरह कैसे, कितने पीते हैं ये लोग? पानी पीते हैं सर 10-15 लीटर दिन का। दिन का 10-15 लीटर पानी पीते हैं, और ये वगैरह घास खाते हैं? अच्छा, और सर ये कैमल कितने साल जिंदा रहते हैं? ये कोई भरोसा नहीं होता सर, कितने साल देगा वो तो, मतलब करीब करीब 20-25 साल। अच्छा, तो ये हम लोग ऑलमोस्ट एंड पॉइंट तक आ चुके हैं जहाँ तक ये लोग राइड लेके आते हैं। और कुछ ऐसा दिखता है ये जगह, ये 360 डिग्री व्यू है यहाँ का, और यहाँ से अब हम लोग रिटर्न जाएंगे।
It's starting my acting. कैमल राइड यहाँ 15 मिनट्स का होता है एंड दे चार्ज 300 रुपीस। Ashi! Wow! It's so kind, see? So, Rishan, how was your experience? Mind-blowing! So, there was like 70 camels there. Behind me, you can see the whole herd. So, it was just awesome. There was like a big camel. I climbed on it. Though I did not like how it was like getting up from the ground. After that, all my fear swept and flew away from my eyes and heart. So, ye hai wo camel ride. हुंदर सैंड ड्यून्स कैमल राइड पॉइंट वहाँ पे जो दिख रहा है और वहाँ आगे कैमल राइड्स चल रहे हैं सब वहाँ पर। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये कैमल राइड देख के बताइए कमेंट सेक्शन में। तो अब हम जा रहे हैं दिस्कित मोनेस्ट्री। वहाँ दूर आपको जो एक स्टैचू जैसा दिख रहा होगा वो है दिस्कित मोनेस्ट्री और मैत्रेय बुद्ध का स्टैचू। यहाँ से हुंदर से दिस्कित 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो अभी हम लोग दिस्कित वो मोनेस्ट्री वो बुद्ध स्टैचू जो बहुत ही फेमस है यहाँ पर वो देख के आगे निकलेंगे पैंगोंग लेक के लिए। तो अब हम एंटर हो रहे हैं दिस्कित मोनेस्ट्री के लिए। तो राइट साइड में ये जो ऊपर दिख रहा है वाइट जैसा बिल्डिंग ये है दिस्कित मोनेस्ट्री। काफ़ी पुराना है और इसके अंदर बहुत सुंदर फ्रेस्कोस पेंटिंग्स बने हुए हैं हमने सुने हैं। और ठीक इसके ऑपोजिट लेफ्ट साइड में देखिए मैत्रेय बुद्ध का स्टैचू है। और ये है अभी एंट्रेंस वे टू द पार्किंग। तो हम लोग पहुँच चुके हैं दिस्कित मोनेस्ट्री। यहाँ पर कुछ टिकट काउंटर जैसा दिख रहा है चलिए देखते हैं। कितना लोगे? दो एडल्ट एक बच्चा। वीडियो नहीं लेना है? वीडियो नहीं लेना है? यहाँ पे नहीं लेना। अच्छा ड्रोन उड़ा सकते क्या ऊपर? तो ये दिस्कित मोनेस्ट्री मंडे टू संडे एवरी डे ओपन है 7 AM टू 1 PM एंड 2 PM टू 7 PM। बीच में एक घंटा बंद रहता है और ये 30 रुपीज़ टिकट ईच टिकट 30 रुपीज़ है। और यहाँ पर ड्रोन उड़ाने के लिए उन्होंने मना किया नीचे। तो हम अभी मैत्रेय बुद्ध स्टैचू के सामने खड़े हैं। इनको मैत्रेय बुद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैत्री का प्रतीक माना जाता है। जैसा कि हमने आपको थैंग में दिखाया था केटू रेंज और पाकिस्तान बॉर्डर
जो इसी तरफ है, ये सामने आगे जो पहाड़ों के पीछे। तो यहाँ पे ये स्टैचू बिठाने के तीन रीजंस हैं, एक तो पाकिस्तान के साथ मैत्री संबंध, वर्ल्ड पीस और दिस्कित विलेज का प्रोटेक्शन। इस स्टैचू की ऊंचाई 106 फीट है। तो अब हम चलते हैं पार्किंग की तरफ। ये देखिए कितनी सुंदर तरीके से ये पत्थरों को सजा के रखा गया है। ये इनर बैलेंस और काम माइंड का प्रतीक है। तो ये ऊपर से पार्किंग इस तरह दिखता है। तो अब चलते हैं पार्किंग की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट जिप लाइन और ये दिस्कित से हुंदर नीचे उतरते वक्त है। यहाँ पर, यहाँ आप नीचे देख सकते हैं एटीवी राइड्स भी हो रहे हैं। तो यहाँ नीचे पैसे देने होते हैं, टिकट लेना होता है और फिर आप यहाँ ऊपर आके यहाँ पे ज़िपलाइन का मज़ा ले सकते हैं। तो हमको अभी पैंगोंग जाना है। वी आर ऑलरेडी लेट, तो हम अभी ये ज़िपलाइन नहीं करेंगे। तो विल मूव अहेड टू पैंगोंग। दिस इज डेजर्ट हिमालय एडवेंचर पार्क। ओ भाग मिल्खा भाग फिल्म मेकिंग पॉइंट। ओ वाओ, एंजॉय वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड जिपलाइन टूर एट खालसार सैंड ड्यून्स नुब्रा वैली लद्दाख। ये एक्चुअली मिनिमम 15 साल के बच्चे, 15 साल होना चाहिए बच्चे को, तभी वो कर सकते हैं ये सैंड ड्यून में ये जिपलाइन। बाकी बाइक राइड कर सकते हैं बच्चे लोग। में कॉस्ट भी लिखा गया है, वन जिप लाइन टूर पर पर्सन 3,600, वन एटीवी राइड मैक्स टू पर्सन 1,000 रुपीस। सो दिस इज हाउ इट इज। हम लोग अभी इस रोड से उतर के ये नीचे जो रोड जा रहा है उस रोड पे जाएंगे और हम लोग अभी पैंगोंग लेक की तरफ जा रहे हैं।